अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। प्लेटफॉर्म है एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफ़े का और आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। दोस्तों, जब वेदर में कोई चेंजेस आती हैं तो हम लोगों को जो सबसे पहला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिसिटी का होता है, मतलब बिजली का आना और जाना। एक स्पेशल पर्सन के लिए इस एनर्जी क्राइसिस में बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं, मतलब बिलिंग के मसाइल, मीटर से जुड़े हुए मसाइल, केबल, पोल और ट्रांसफार्मर के मिसाइल, जिसके लिए हमें अपने डिविजनल ऑफिस के साथ रब्ता करना पड़ता है। और आसानी के लिए फ़ोन नंबर भी दिए गए होते हैं बिल्स पर, लेकिन उन पे बदकिस्मती से जब हम रब्ता करते हैं तो कोई हमारा रब्ता नहीं बन पाता। आज आपको एक ऐसी ऐप बताने लगा हूँ जिसमें आप घर बैठे, बल्कि अपने ड्राइंग रूम से ही बैठे बैठे आप ऑनलाइन कंप्लेन भी दे सकते हैं, डुप्लिकेट बिल भी हासिल कर सकते हैं, और वो भी एक ऐसी ट्रस्टेड ऐप के ज़रिए जिस पे आप जब कंप्लेन करेंगे तो आपकी कंप्लेन के ऊपर अमल दरामद भी होगा, आपको मतलूबा डिपार्टमेंट से कॉल भी आएगी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व होने की सूरत में। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधा हम जंप ओवर करते हैं अपनी ऐप की तरफ। ये ऐप आपको प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, इसका लिंक भी हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और जिन दोस्तों ने हमारा व्हाट्सएप का चैनल सब्सक्राइब कर रखा हुआ है, यानी कि उसको ज्वाइन किया हुआ है, उनको ये लिंक हमारे व्हाट्सएप के चैनल से भी मिल जाएगा। तो ऐप का नाम भी बता देता हूँ, ऐप का नाम है रोशन पाकिस्तान। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी ले सकते हैं। इस ऐप का इंटरफेस आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वीडियो बनाने की बुनियादी वजह ये थी कि जब हम कंप्लेन रजिस्टर करते हैं तो कंप्लेन के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जिनकी वजाहत बहुत ज़रूरी होती है, और अगर इस तरह की वीडियो के ज़रिए अपने व्यूवर्स को बहुत कुछ बता दिया जाए तो उनको अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। चलिए मैं सबसे पहले जनाब मैं अपनी होम स्क्रीन में ऐप पे अप्रोच करता हूँ। ये है रोशन पाकिस्तान। रोशन पाकिस्तान की ऐप के ऊपर हम करेंगे डबल टैप। कीबोर्ड हिडन, रोशन पाकिस्तान, IMG menu, button, out of grid, detected, icon, menu. सबसे पहले हमें इसके ऊपर मोर का बटन दिखाई देता है। मोर के बटन को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। मोर के बटन को ओपन किया। PITC 406 WAPDA House Lahore. ये एप्लीकेशन ने डेवलप किया है, जो इनकी प्रॉपर्टी है जिनके पास उनका नाम है। नीचे आते हैं। Check for new update. यहाँ से आप अगर कोई अपडेट लेना चाहते हैं, जो कि डिपार्टमेंटल अपडेट्स होती हैं, बिलिंग के जो टैरिफ्स होते हैं, लोड से मतलब या कुछ कंप्लेंट से मतलब चीज़ें, तो यहाँ से आप अपडेट्स भी ले सकते हैं। टीम क्रेडिट, जो टीम क्रेडिट है, मतलब जो टीम्स काम कर रही होती हैं उनको जो आप क्रेडिट देना चाहते हैं। जाहिर बात है कि जी वेदर की मुश्किल तरीन हालात में, गर्मी और सर्दी में, अंधेरे में आके ये लोग काम करते हैं, तो हम इनको यहाँ पे इस पैनल के ऊपर काउंटिंग करवा के इनको रिकग्नाइज भी करवा सकते हैं, और इनके अगर खुदा खासा को कंप्लेन भी दे सकते हैं, अदरवाइज हम इनको सपोर्ट भी कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल है, इसमें मुख्तलिफ तरह की टर्म्स एंड कंडीशन है जो डिपार्टमेंटल होती हैं, उनको अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। फीडबैक सजेशंस, अगर आपका कोई फीडबैक्स हैं, उनकी सजेशंस आप देना चाहते हैं तो वो क्या होंगी, किस तरह की होंगी, वो भी आप कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, ऐप से रिलेटेड जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो क्या रहेगी, वो उन्होंने बता दी है। कम्युनिकेशन में क्या चीज़ शामिल है, शेयर, आप इस ऐप को शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने लोगों के साथ। तो चलिए जी हम सबसे पहले इसको बंद करते हैं Back. और हम मेन स्क्रीन में आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इस ऐप का इंटरफेस, और यहाँ पे अगर किसी जगह पे मोबाइल खामोश होगा तो वहाँ पे उर्दू टेक्स्ट को
रीड करने में इसको थोड़ी सी देर हो सकती है और जहाँ इंग्लिश की टेक्स्ट है वो तो इसको रीड करता ही रहेगा। बहरहाल मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप से आगाज़ कर रहा हूँ। मोर बटन मैंने आपको बता दिया। अब हेडलाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है रोशन पाकिस्तान उर्दू लैंग्वेज में और इसको भी ये फिलहाल रीड नहीं करेगा। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की प्रॉपर्टी है ये एप्लीकेशन। पावर डिवीजन जो है इनका वो काम कर रहा है। मजीद देखते हैं क्या है इसमें जी। लोड मैनेजमेंट। लोड मैनेजमेंट ये सबसे पहला आइकन इन्होंने इसको दिया है। वो लोग जो नए यूज़र हैं जो एप्लीकेशन देते हैं वो, और अगर आप अपने बिल के अगेंस्ट में लोड मैनेजमेंट देखना चाहते हैं कि लोड किस तरह से वर्क करता है, कितने बजे से कितने बजे तक का कौन सा फार्मूला होता है, तो ये उसकी डिटेल है। हम इस डिटेल में आज नहीं जाएंगे क्योंकि इससे तो हमारी वीडियो लेंथी हो जाएगी, दूसरा हमारा मेन फोकस इस पर नहीं है। हम मेन फोकस आज करने वाले हैं कंप्लेन के ऊपर। तो इसके बाद हमारा है जी बिलिंग इंफॉर्मेशन। बिलिंग इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास किसी वजह से बिल नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों के पास नहीं आता जो हमारे पास सिस्टम है बिलिंग का, और उसमें बसकत हमारे घर पे जो कॉपी हमें प्रोवाइड की जाती है प्रिंटेड कॉपी वो नहीं मिल पाती, तो डजेंट मैटर, आज के इस दौर में कोई परेशानी वाली बात नहीं। आपके पास सिर्फ अपने बिल के ऊपर दिया हुआ रेफरेंस नंबर है, जो कंज्यूमर का रेफरेंस नंबर होता है, उसका होना ज़रूरी है। अगर वो आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल के अपना मंथली बिल चेक भी कर सकते हैं और उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी ले सकते हैं। तो मैं इसकी डिटेल आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम कंप्लेंट को डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद फिर मैं आपको इसके बाकी फीचर्स भी बताऊंगा। थर्ड पे हमारा एक और फीचर है लॉन्च कंप्लेंट। लॉन्च कंप्लेंट ये हमारा आज का मेन जो फोकस है इस पे रहेगा, लेकिन हम पहले सारे ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ट्रैक कंप्लेंट। जब हमने अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा दिया तो हमारी कंप्लेंट इस वक्त किस प्रोसेस में है, हम उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। मजीद राइट स्वाइप करते हुए रजिस्टर CNIC। रजिस्टर CNIC, यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत की ये ज़रूरत है कि आपको अपना CNIC रजिस्टर करवाना है वापडा के पास। वो इसलिए कि वापडा जब भी कोई डेवलपमेंट वाले काम करता है, मतलब किसी दिन आपकी पावर सप्लाई बंद रहेगी, क्यों बंद रहेगी, बिलिंग में कोई तब्दीली है, किस वजह से है, तो वो अगर आपका NIC रजिस्टर्ड होगा इनके पास तो थ्रू SMS ये आपको कांटेक्ट कर पाएंगे। अगर आप ऑनर हैं अपने घर के तब भी आप अपने इस मीटर के साथ CNIC को पैच करवा के रजिस्टर करवा सकते हैं, और अगर आप रेंटेड हैं तब भी कोई मसला नहीं, तब भी आप ऐसा काम कर सकते हैं। मजीद चलते हैं जनाब राइट साइड की तरफ और बिल एस्टिमेटर। बिल एस्टिमेटेड, अगर आपके पास बिल के कोई मसले मसाइल हैं तो एस्टिमेटेड बिल लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा है कॉल अस, इनको अगर आप इमरजेंसी में कोई कॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डिटेक्टेड आइकॉन कॉल बटन, यहाँ पे कॉल बटन है, मतलब कॉल अस जहाँ पे कहा गया वहाँ पे जो लो विजन लोग हैं या देखने वाले लोगों को वहाँ पे यहाँ पे कॉल का बटन भी दिखाई देगा। SMS अस, अगर आप इनको SMS करना चाहते हैं तो फिर आगे SMS का बटन डिटेक्टेड आइकॉन चैट बटन, और नीचे डिटेक्टेड आइकॉन क्लोज बटन, अगर आप क्लोज बटन है मतलब यहां से आप ऐप को बंद करके बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीधा जंप ओवर करते हैं जनाब लॉन्च अ कंप्लेंट। लॉन्च कंप्लेंट, मान लीजिए कि हमारी बिजली के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, हम किसी भी वजह से फेस कर रहे हैं, हमारे घर में बिजली नहीं आ रही, और अब हमें डिविजनल ऑफिस में फ़ोन करने का या डिविजनल ऑफिस को वहाँ जाके विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये काम हम अपने मोबाइल स्क्रीन से कर सकते हैं। किस तरह से, डबल टैप करते हुए ओपन BTN होम बटन, तो यहाँ पे अब इसका सब मेन्यू ओपन हो गया। इसकी डिटेल में आपको साथ साथ ही बताता चला जाऊँगा, अगर तवील हो जाए थोड़ी सी वीडियो तो कोई बात नहीं, ये चूँकि एक ट्यूटोरियल है इसको समझना ज़रूरी है, तो इसलिए बर्दाश्त कर लीजिएगा, इसको कट ना कीजिएगा इस वीडियो को, और ना ही फॉरवर्ड बैक करके आप इसमें से आगे पीछे जाने की कोशिश करें, क्योंकि फिर आप सारे फार्मूले को समझ नहीं पाएंगे। मैं राइट स्वाइप करते हुए पहली हेडिंग को देखता हूँ क्या है। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन है कि जिस मेन्यू में हम खड़े हैं ये है कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का। इसके साथ इसका जो कंप्लेंट का अपना एक उन्होंने आइकॉन दिया हुआ है वो है BTN ट्रैक कंप्लेंट 1 बटन, ये बटन दिया हुआ है, इससे आप कंप्लेंट को यहाँ पे स्विच करके आ सकते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है इसमें वो है सिलेक्ट कंप्लेंट कैटेगरी। कंप्लेंट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि कंप्लेंट हम कर क्या रहे हैं, हम जो कंप्लेंट करने जा रहे हैं वो क्या है, इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, देखते हैं क्या क्या है वो। सिलेक्ट कंप्लेंट कैटेगरी।
एडिट बॉक्स, तीन कैटेगरीज हैं, टेक्स्ट, थ्री लीड्स, रिक्वेस्ट्स। तीन रिक्वेस्ट्स मौजूद हैं, इनमें से किसी एक को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या कोई सर्च करना चाहते हैं और चीज तो वो कर सकते हैं, लेकिन नंबर वन पे है वन लाइन कंप्लेंट्स इन लिस्ट। लाइन से मुतालिक अगर कोई कंप्लेन है तो वो हम यहाँ से करेंगे, मतलब लाइन से मुराद ये कि मेरे घर से, मेरे मीटर से लेके पोल तक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या पोल से ट्रांसफार्मर तक के अंदर कोई लाइन में कोई फॉल्ट है, तो उसकी अगर कंप्लेन करना चाहते हैं, कोई स्पार्किंग देखते हैं, लूज कनेक्शन देखते हैं, या केबल डैमेज हो चुकी है, केबल टूट गई है, तो उस सूरत में आप लाइन की कंप्लेन कराएंगे। सेकेंडली क्या है? नॉन लाइन कंप्लेंट। अब बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जो कि लाइन बेस्ड नहीं होती, मतलब आपको प्रॉब्लम होता है, आपका मीटर जो है वो रीडिंग सही नहीं दे रहा है, आपका मीटर फास्ट काम कर रहा है, आपके मीटर में स्पार्किंग हो रही है, या कुछ प्रॉब्लम और होते हैं, जैसा कि ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क नहीं कर रहा, आधी सप्लाई दे रहा है, तो इस वजह से भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये नॉन लाइन कंप्लेंट में आएगी। या जो ऑफिशियल नॉन लाइन कंप्लेंट्स में, वो कंप्लेंट है कि आपने किसी के साथ रब्ता किया और आपके साथ रब्ता नहीं हो पा रहा, और आपको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, या आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको बिल नहीं मिल रहा, या आपको इजाफी को रकम लग के आई थी, तो उसके ख़िलाफ़ भी अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो ये नॉन लाइन कंप्लेंट कहलाएगी। आगे देखते हैं जी, नंबर तीन पे क्या है हमारे पास? थ्री लीड्स, रिक्वेस्ट्स। अगर आप लोड की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, लोड की रिक्वेस्ट से मुराद ये है कि आपने फ़र्ज़ करें कि जब कनेक्शन लिया था उस वक्त आप एक सिंगल स्टोरी घर में रहते थे, आपका सिंगल स्टोरी घर था और आपकी ज़रूरत एक मीटर पे थी, और अब आप एक और मीटर की रिक्वायरमेंट चाहते हैं, आपको एक और मीटर रिक्वायर्ड है अपने सेकेंड फ्लोर के लिए, या थर्ड फ्लोर के लिए, या आपने किसी प्लाजे के अंदर कोई शॉप बनाई है, शॉप के ऊपर फ्लैट्स बनाए हैं, तो यहाँ से अगर आपको मज़ीद लोड चाहिए तो लोड के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे, जिससे आपको ट्रांसफार्मर से आने वाली केबल्स के ऊपर आपका रिक्वायर्ड लोड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर हम नंबर वन लेते हैं, लाइन कंप्लेंट्स ले लेते हैं और इसके ऊपर डबल टैप कर लेते हैं, रोशन पाकिस्तान, वन लाइन कंप्लेंट्स आउट ऑफ लिस्ट, ये मैंने कैटेगरी में लाइन कंप्लेंट के तौर पे ले लिया है, सिलेक्ट कर लिया जी। सेकंड पे आते हैं, सिलेक्ट कंप्लेंट टाइप। अब कंप्लेंट टाइप क्या है, हमारी कंप्लेंट्स की टाइप क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास 19 कैटेगरीज आती हैं कंप्लेंट की, लाइन वाली कंप्लेंट की। इसमें मैं नहीं बोलूँगा, कोशिश करूँगा कि टॉकबैक आपको पढ़ के सुनाता चला जाए, और फिर इसमें किसी चीज़ की अगर वजाहत की ज़रूरत होगी तो वो मैं कर दूँगा। मैं डबल टैप करके कर रहा हूँ जनाब इसको ओपन। सेलेक्ट कंप्लेंट टाइप, एडिट बॉक्स, वन पावर आउटेज इन लिस्ट, टू डैमेज्ड मीटर, थ्री इलेक्ट्रिक फायर, फोर फ्लक्चुएशन, फाइव लाइन फॉल्ट, सिक्स लो वोल्टेज शॉर्ट टर्म, नाइन सेवन लो वोल्टेज लॉन्ग टर्म, एट फेज इश्यू, नाइन एडिशनल फीडर, 10 damage transformer, rural, 11 damage transformer, urban, 12 transformer relocation, augmentation, 13 additional transformer, 14 live fallen wire, 15 service line relock, improve, short term, 16 LT, HT line relocation, improvement long term, 17 meter sparking, wire loose, 18 permanent rectification of temporary fix, 19 tripping due to transformer। ये हैं 9 कैटेगरीज, और इसमें जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ या जो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी वो है ट्रिपिंग ड्यू टू ट्रांसफार्मर। हमारी लाइट ट्रिप कर जाती है, सिंगल फेज पे चली जाती है, समटाइम बिल्कुल बंद हो जाती है, ट्रिप कर जाता है हमारा ट्रांसफार्मर। 19 वाली कंप्लेंट हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन 19 कंप्लेंट में से अगर किसी कंप्लेंट के ऊपर आप मज़ीद वजाहत चाहते हैं तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसके आंसर में फिर हम आपको बता सकते हैं कि इन 19 कंप्लेंट्स में से जिसका आपने पूछा उसका क्या जवाब है। तो मैं 19 नंबर कंप्लेंट को लेते हुए डबल टैप करके इसको करते हुए कंप्लीट में आ जाता हूँ बाहर। रोशन पाकिस्तान, 19 ट्रिपिंग ड्यू टू ट्रांसफार्मर आउट ऑफ लिस्ट। ये भी हो गया जी, हमने पहले लाइन की कंप्लेन ले ली नंबर वन पे, नंबर टू में उसकी जो कैटेगरी थी 19 नंबर की के ट्रिपिंग ट्रांसफार्मर वो हमने ले ली। और आगे हम चलते हैं एस्टरिस्क। ये एस्टरिस्क जो बोल रहा है ये एक स्टार लगा हुआ है, इसको हमने छोड़ देना मजीद राइट स्वाइप करते हुए। प्लीज एंटर 14 डिजिट करेक्ट रेफरेंस, नो प्रिंटेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, थैंक यू।
यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमारे मीटर के जो बिल होते हैं उनके ऊपर 14 डिजिट का हमारे पास एक रेफरेंस नंबर होता है, वो हमने यहाँ पे एंटर करना होता है। और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ उर्दू में भी लिखी हुई है। तो बिजली के बल पर दर्ज 14 हंदिसों पर मुश्तमिल दुरुस्त हवाला नंबर दर्ज कीजिए, शुक्रिया। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एडिट रेफरेंस नंबर, एडिट बॉक्स, एडिट बॉक्स आ गया। यहाँ पे हमने वो 14 डिजिट का नंबर जो है उसको यहाँ पे लाके रेफरेंस नंबर। अब इस रेफरेंस बॉक्स में आपने वो डिजिट डालने हैं जिनके इन्होंने ऊपर रिक्वेस्ट की है। तो ये reference डिजिट नंबर हमारे edit पास box. अगर होगा हम यहाँ पे वो नंबर डाल देते हैं। एडिट बॉक्स रेफरेंस नंबर, मैंने यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर जो था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अब मैं चलता हूँ मज़ीद राइट स्वाइप करते हुए आगे, क्योंकि यहाँ पे 3 कैटेगरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब हमने लाइन की एप्लीकेशन दे दी है, मतलब 3 कैटेगरीज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। हमारी कैटेगरी है लाइन की, और उसमें जो हमारी कंप्लेन है वो है ट्रिपिंग ट्रांसफार्मर। रेफरेंस नंबर मैंने दे दिया अपने बिल वाला। आगे देखते हैं आगे क्या जी। कैरेक्टर्स एंटर्ड 14 ऑफ 14। आपको उसने बताया कि जी आपकी 14 कैरेक्टर्स की स्पेस थी जो आपने फिल कर ली है। Asterisk. Complainant name. यहाँ पे कंप्लेन करने वाले का नाम आएगा। और ये एग्जाम्पल मजीद यासीन मावत, एडिट बॉक्स। ये एक फर्जी नाम दिया हुआ है, हम इसी को चलने देते हैं। मजीद यासीन मलक, उन्होंने एक नाम दे दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम अपना नाम देना चाहें तो भी दे सकते हैं। जाहिर बात है कि यहाँ पे हम अपना नाम देंगे तो हमारी कंप्लेन हमारे नाम से रजिस्टर्ड होगी। आगे क्या है जी। Asterisk. Mobile no. यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है आपने, और मोबाइल नंबर की पूरी डिटेल इसने दी हुई, एडिट बॉक्स आएगा इसका। एग्जाम्पल 923,330,000,000, एडिट बॉक्स। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर विद अपने नेटवर्क कोड के साथ जो है वो देना है। यहाँ पे आगे चलते हैं। Asterisk. Nearest place. Nearest place. अब आप चूंकि कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये कंप्लेन जा रही है हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस में हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जो कंप्लेन करने वाला है वो कौन से इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि उसी इलाके को ये फिर नोटिस करेंगे, उसी इलाके का जो सब डिवीजन ऑफिस है उसी को ये फिर मार्क करेंगे आपकी कंप्लेन और आपका नंबर। तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि जनाब अपने इलाके के नाम जो है वो आप यहाँ पे एडिट बॉक्स में लिखें, जिससे कि आपका जो भी इलाका है, फर्जी तौर पे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जी अगर मैं रावलपिंडी में रहता हूँ तो यहाँ पे मैं कहूँगा कराल चौक, या यहाँ पे मैं कह दूँगा कमेटी चौक। तो मुझे वो प्लेस को आइडेंटिफाई ज़रूर करना होगा, ताकि उनको आसानी रहे कि इस कंप्लेंट को रिजॉल्व किस इलाके में करना है। मज़ीद आगे देखते हैं जनाब। Asterisk. Complaint details. कंप्लेंट की डिटेल क्या है? ऊपर तो हमने बता दिया ट्रिपिंग ट्रांसफार्मर, लेकिन कब से है, क्या हुआ, उसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है, या आपके जज्बात क्या हैं? तो यहाँ पे आपने अपने रिमार्क्स देने हैं। तो वो हैं, Enter complaint details here, 3 full stop, edit box. तो आपने यहाँ कंप्लेन आप दे सकते हैं 16 से जो करेक्टर्स हैं, यहाँ पे आप कंप्लेन दे सकते हैं अपनी, और उसकी डिटेल आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ही आप इसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, और एडिट फील्ड में जो भी आप वॉइस इनपुट के थ्रू कंप्लेन देना चाहते हैं वो कंप्लेन भी आप इसके अंदर लिखेंगे। इसकी जो हद है उन्होंने बताया कि जी 250 करेक्टर तक हो सकती है, ऐसे बड़ी कंप्लेन ना लिखें यहाँ पे, जैसा कि कैरेक्टर्स एंटर्ड 0 ऑफ 250। तो अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो इसलिए मेरे करेक्टर्स यहाँ पे 0 हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें वार्निंग भी दी हुई है, वो वार्निंग सुन लीजिए क्या है। नोट: Any illegal or obscene material uploaded will be criminally prosecuted. कोई भी गैरअखलाकी मौद अपलोड करने पर मुजरिमाना मुकदमा चलाया जाएगा, शुक्रिया। मतलब ये है कि आप फेक कंप्लेन अगर करेंगे और उनको इंटरप्ट करेंगे या उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तो इससे जो कंज्यूमर है, जो क्लाइंट है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर आपने तमाम तर फील्ड्स को कंप्लीट कर दिया तो Register complaint button. Register complaint का बटन आपको मिल जाएगा, डबल टैप करेंगे। अगर इनमें से कोई फील्ड कंप्लीट नहीं होगी तो वो आपको वार्निंग मैसेज देगा, जिसमें वो आपको कहेगा कि जी आपकी फील्ड में फलां फलां चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट नहीं की गई हैं, इनको आप फिल कीजिए।
तो फिर आपकी कंप्लेन रजिस्टर होगी। अगर आपने सब कुछ सारी फील्ड्स में ऐड कर दिया हुआ तो फिर आपकी कंप्लेन रजिस्टर होते ही एक आपको मैसेज बॉक्स में यहीं पे एक पॉपअप मिलेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आपकी कंप्लेन रजिस्टर भी हो गई है, आपका टिकट नंबर ये है और आपके साथ बहुत जल्द रब्ता कर लिया जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप इस विंडो से बाहर चले जाएंगे और आपको हेड ऑफिस से SMS के थ्रू एक इंफॉर्मेशन वाला मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी कंप्लेन नंबर या टिकट नंबर के मुताबिक आपकी ये जो कंप्लेन है ये हमारे पास रजिस्टर्ड हो गई। ये खुदकार मैसेज होता है। अब हम चलते हैं एक स्टेप पीछे रोशन पाकिस्तान और IMG मेन्यू बटन। इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखने वाली है वो ये है कि अगर हम बिल हासिल करना चाहते हैं डुप्लीकेट बिलिंग इंफॉर्मेशन, बिलिंग की इंफॉर्मेशन लेने के लिए पहले हम डबल टैप करते हैं इसके ऊपर तो रोशन पाकिस्तान BTN होम 1 बटन बिलिंग डिटेल्स asterisk प्लीज एंटर 14 डिजिट करेक्ट रेफरेंस नो प्रिंटेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल थैंक यू। यहां पे भी उसी 14 डिजिट करेक्टर्स की बात की जा रही है जो रेफरेंस नंबर है हमारे पास। बिजली के बिल पर दर्ज 14 हंदिसों पर मुश्तमिल दुरुस्त हवाला नंबर दर्ज कीजिए शुक्रिया। तो यहाँ पे मेरा नंबर चूंकि मैंने एक दफ़ा दे दिया हुआ, अगर आप भी यहाँ पे जब एक दफ़ा अपना नंबर एंटर कर देंगे तो ये ऐप अपने पास याद रखेगी। सिर्फ कंप्लेन वाली जगह पे आपको नंबर ऐड करना पड़ता है क्योंकि कंप्लेन ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे के मोबाइल में ऐप है वही कर सकता है, कोई और बंदा भी किसी और इलाके की भी कंप्लेन आप कर सकते हैं। लेकिन बिलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चूँकि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे के बिल लेना है इसलिए यहाँ पर वो आपका रेफरेंस नंबर अपने कैशे मेमोरी में रखता है ताकि आपको बार बार ये बिल ना देना पड़े, नंबर ना देना पड़े। तो यहाँ पे हमें क्या कैटेगरी मिलती है एडिट फील्ड में, सबसे पहले एडिट बॉक्स रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर है जो 14 डिजिट का उसने पढ़ के सुनाया और यही 14 डिजिट का जो रेफरेंस नंबर है यही आपको भी इस तरह पढ़ के सुनाएगी। ये होगा तो फिर आप बिल ले सकते हैं। बिल किस तरह ले सकते हैं जी? कैरेक्टर्स एंटर्ड 14 ऑफ 14 ठीक है, बिलिंग डिटेल्स बटन, यहाँ पे आप बिलिंग की डिटेल भी ले सकते हैं और गेट डुप्लीकेट बिल बटन। अब ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है। बिलिंग डिटेल ये है कि बिल का जो मीटर का जो ऑनर है वो कौन है, उनका CNIC नंबर क्या है, आप कितना लोड यूज़ कर रहे हैं, आपका बिल किन शराइत के मुताबिक बन रहा है, आपके ड्यूज कोई है तो नहीं, ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन है। बिलिंग डिटेल्स बटन, बिलिंग डिटेल्स जो हैं। अगर आप डुप्लीकेट बिल लेना चाहते हैं गेट डुप्लीकेट बिल बटन, डुप्लीकेट बिल के ऊपर डबल टैप करते हुए हम प्लीज वेट करेंगे इन प्रोग्रेस 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 बार रोशन पाकिस्तान डुप्लीकेट बिल, ये डुप्लीकेट बिल मेरे पास आ गया और यहाँ पे इसमें आप अपने अमाउंट भी देख सकते हैं, सारी डिटेल्स जो आपके फिजिकल प्रिंटेड बिल पे आती हैं वो यहाँ पे सारी मौजूद हैं। BTN बैक बटन प्रिंट, अब यहाँ ISCO ऑनलाइन बिल प्रिंट प्रिंट, आप इस बिल का डायरेक्टली प्रिंट भी ले सकते हैं और अपने मोबाइल के साथ प्रिंटर को कैसे कनेक्ट कराना है इसके लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो पहले से मौजूद है आप उसको देख सकते हैं। तो एक स्पेशल पर्सन बड़े आराम से एक नॉर्मल प्रिंटर को OTG केबल के साथ कनेक्ट करा के अपनी डिवाइस के साथ अपने बिल का डुप्लीकेट हासिल कर सकता है। आपको किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद बिल का डुप्लीकेट ले सकते हैं और यहाँ से बिल देखने के बाद आप बराह रास्त बिल को इजी पैसा जैस कैश या जो भी आपके पास बैंक का मीडियम है उसके ज़रिए आप जमा भी करा सकते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि बिल की डुप्लीकेट लेने से लेके बिल को जमा कराने तक आपको किसी भी फर्दर थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं और ना ही आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत है, ये काम अपने घर में बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। इसको स्वाइप करते हुए नीचे आखिर में अपनी डिटेल भी ले सकते हैं कि जो लास्ट वन हमारे पास कैटेगरी आएगी उसमें अपने बिल की 7241 बस यहाँ से हम अपनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमारे बिल की अमाउंट क्या है और उसकी लास्ट डेट क्या है। अगर हम ये दो चीज़ें कंप्लीट कर लें तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने इस ऐप के दो फीचर्स आपके साथ डिस्कस किए, कंप्लेन और डुप्लीकेट बिल। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ भी बन सकती हैं लेकिन नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो आपके साथ हमने डिस्कस कर ली। आज इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के साथ साथ अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालने के बाद उनको सेव कर लीजिए। जब आपको मिलेगी इस काम की सहूलत तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारा मोटो तो ये है कि हम अपनी कम्युनिटी के तमाम तर लोगों को इंडिपेंडेंट बनाएं, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। तो अगर आप हमारे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं
इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो को अपलोड करें यूट्यूब पर तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करें और आप भी इस तरह की पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो हमारी मुलाकात होती है जी एक और दिलचस्प वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।